जुजुत्सु कैसन का चैप्टर 259 वो बहुत ज्यादा सैड, क्योंकि उस चैप्टर में हमने चोसो को खो दिया है। एनम बीतादोरी यूजी कम्प्लीटली डिसअपीयर में चला ही गया था कि हमें एक पुरानी कैरेक्टर का वापसी होते हुए दिखती है टोडो की। एंड उस चैप्टर में क्लियरली ये स्टेटमेंट दी गई थी कि सुकुना के पास जीरो अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी बची है एंड सुकुना का इस फाइट पे टिके रहना ही बहुत मुश्किल है। बट उस चैप्टर में बहुत सारे लोगों ने एक पैटर्न को फॉलो किया कि गेगे अकातामी बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स को वापस ला रहा है, लाइक मिगोल, लाइक लोहोर, इवन टोडो। एंड हियर कम द पॉसिबिलिटी कि गेगे अकातामी गोजो सातो को वापस लेके आएगा। एंड मैं इसी चीज के ऊपर सर्च कर रहा था एंड मुझे ट्विटर पे जुजुत्सु कैसन चैप्टर 260 का एक लीक मिला। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस लीक को देखने के बाद आई वाज कंप्लीटली इन अ शॉक, क्योंकि हमें गोजो सातोरो का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वी ऑल नो कि गोजो सातोरो ने सिंजुकु में सुकुना से लड़ने के बाद गोजो सातोरो सुकुना से हार गया था एंड इसके कारण से गोजो कंप्लीटली उस स्टोरी से गॉन हो गया। एंड फिर राइटर ने ये बता भी दिया कि गोजो सातोरो मर चुका है। बट टू बी ऑनेस्ट, जुजुत्सु काइजन में गोजो सातोरो का वापस आना एक बहुत ज्यादा नेसेसिटी बन के रह गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जुजुत्सु काइजन चैप्टर 260 के लीक्स के ऊपर बात करते हैं। वेल, चैप्टर 260 में काफी पॉसिबिलिटी बन के आ सकती है, क्योंकि हमें डेफिनेटली टोडो एंड इतादोरी यूजी सुकुना से लड़ते हुए दिखेंगे एंड आई डोंट थिंक सो कि ये लोग बहुत ज्यादा टाइम तक जीत सकते हैं या फिर उस बैटलफील्ड में टिके भी रह सकते हैं। आई मीन कंप्लीटली ऑनेस्ट, वी ऑल नो कि सुकुना बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट सुकुना के पास बहुत ज्यादा प्लॉट आर्मर है एंड जुजुत्सु काइजन बिना गोजो सातोरो के एंड हो, ये बहुत अजीब है। एंड यहीं से निकल के आता है ये लीक, जो कि स्टार्टिंग होती है इस लीक की, जहाँ पे गोजो सातोरो अपने सारे फ्रेंड से थैंक यू कह रहा होता है। वो ये कहता है कि आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। एंड उसी के अगले पैनल में गोजो सातोरो कहता है कि आई नो कि ये सिक्स आइस मेरे क्लैन का सबसे बड़ा गिफ्ट है, बट मुझे इस चीज को गवाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं ये चीज को नहीं गवाऊंगा तो मैं वापसी नहीं कर पाऊंगा। एंड गोजो सातोरो उस अपनी लेफ्ट आई का एक बाइंडिंग वाव बनाता है। इस लीक पे साफ दिख रहा है कि गोजो सातोरो ने एक बाइंडिंग वाव क्रिएट कर दिया है एंड जो लोग जुजुत्सु काइजन के मांगा से अभी तक कॉट अप है, वो लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि लिटरली बाइंडिंग वाव का कितना खतरनाक खेल चल रहा है। वी ऑलरेडी नो कि सुकुना ने गोजो को हराने के लिए अपने फाइनल स्लैश के लिए एक ऑलरेडी बाइंडिंग वाव बना दिया था एंड सुकुना ने न जाने कितने बाइंडिंग वॉक क्रिएट किए हैं अपनी टेक्निक को यूज करने के लिए। सो क्या गोजो सातोरो एक भी बाइंडिंग वॉक यूज नहीं कर सकता? वेल, डेफिनेटली यस। अब ये लीक्स बहुत ज्यादा फैन मेड भी हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, जुजुत्सु काइजन में बाइंडिंग वॉक एक अलग ही लेवल की चीज है। एनगे की तामी 100% कुछ ना कुछ तो प्लॉट बना के रखा है कि कैसे गोजो सातोरो वापस करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया है इधर वन लिव्स और एवरीवन डाइज और एवरीवन डाइज एंड ओनली वन लिव्स। नाउ लेट्स सी कि जुजुत्सु काइजन का चैप्टर 260 क्या खेल दिखाता है। स्पॉइलर्स थर्सडे को रिलीज होंगे, तो उस चीज को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं जुजुत्सु काइजन के ऊपर। सो आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।